यस गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग रामकृष्ण चंदन स्वीटी अफया एवरीबडी तो आज हम लोग यहाँ पे सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स को ख़त्म करेंगे ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और यहाँ पे एक और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है लोअर कास्ट मूवमेंट्स, तो ये जो निम्न जाति आंदोलन है ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं तो इनसे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इनको भी आ, कुछ क्वेश्चन इसके भी करेंगे ठीक है तो मैं चाहूँगा कि इसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें और आ, क्लास के बाद जो है वो यहाँ पर रिवीजन जरूरी है ठीक है तो क्लास के बाद रिविजन सभी लोग करें और रिविजन जो है वो करते रहेंगे तो इतना सही रहेगा ठीक है राधे राधे रीना सो एनी क्वेश्चन एनी डाउट किसी को कोई दिक्कत या कोई समस्या गुड yes, मॉर्निंग yes, नदीम गुड मॉर्निंग ठीक है इसका जो क्लास का पीडीएफ है ठीक है इसके क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा है ना और टेलीग्राम चैनल पर जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा यही कहना है कि वो इस चैनल पे ज्वाइन कर लें तो अन अकेडमी का सुशांत सर नाम से एक चैनल है और इसमें आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है रामकृष्ण कह रहे हैं प्लीज रीशेड्यूल दी ए टाइमिंग अभी रामकृष्ण इस पूरे महीने तो साढ़े सात रहेगा ठीक है फिर अगले महीने से देखते हैं कि इसमें कुछ कम ज़्यादा किया जा सकता है ओके तो अब चूंकि ये क्लासेस सारी शेड्यूल हो चुकी हैं गुड मॉर्निंग सोम्या तो अब इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं ठीक है तो सभी लोगों से मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और कोशिश ये करें कि तीस से चालीस सेकेंड के अंदर अपना आंसर दे दें ठीक है और इसको आप मान के चले कि ये आप एक स्पेशल क्लास कर रहे हैं ठीक है तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आलोक सो क्वेश्चन नंबर वन हु फाउंडेड द मोहम्मडन एसोसिएशन इन कैलकाटा इन दर एटीन सिक्सटी थ्री अठारह तिरसठ में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसने की थी अब्दुल लतीफ सैयद अमीर अली सैयद अहमद खान या दीस ठीक है तो सभी लोगों से मैं यही चाहूँगा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहें और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है गुड मॉर्निंग नीता सोम्या का आंसर आ गया है रोमी अश्मिता कुछ लोग ये सूरज चंदन नदीम कैलकाटा में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसने की सूरज एंड हिमांशु का भी आंसर आ गया है रीना यादव का भी आंसर आ गया है डिटी का भी आंसर आ गया है तो आलोक का भी आंसर आ गया है सभी लोग भाई देखिए पार्टिसिपेट जरूर करिए डिटी का आंसर चेंज हो गया भाई यस यस रामकृष्ण आपने दिया है मुझे मालूम है ठीक है तो सभी लोगों से मैं यही चाहूँगा कि पार्टिसिपेशन सभी का हो सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर अब्दुल लतीफ़ कलकत्ता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना अठारह में नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा नूर भारती कह रहे हैं सी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट वाज द नेचर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था एंटी ब्रिटिश प्रो ब्रिटिश एंटी कांग्रेस प्रो कांग्रेस या एंटी हिंदू ठीक है तो आराम से सोच समझ के आंसर दीजिएगा सभी लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था रीना का आंसर आ गया है एनी आंसर तो सभी स्टूडेंट भाई पार्टिसिपेट जरूर करें रामकृष्ण का आंसर आ गया है सूरज अस्मिता आलोक एंड स्वीटी सौम्या तो चंदन नदीम यस और कोई रोमी नूर बह कहते मुझे साफ नहीं दिख रहा है सवाल एक बार आप एग्जिट करके फिर से इसको लिंक पर क्लिक करिए रामकृष्ण कह रहे हैं टी दी, रीना यादव टी यहां मेरे मोबाइल पर एकदम साफ दिख रहा है ठीक है तो ये मुझे क्या लग रहा है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू थ्री एंड फाइव ठीक है तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये बेसिकली 1875 में स्टार्ट हुआ है ना और ये प्रो ब्रिटिश था या ब्रिटिश समर्थक था कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था ठीक है तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप जो था वो इस प्रकार का था कि वो ब्रिटिश समर्थक कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी और इसी के अपोजिट में देवबंद आंदोलन जो है वो शुरू किया गया जो कि ब्रिटिश विरोधी है ना और कांग्रेस समर्थक और हिंदू समर्थक था तो ऑप्शन यहां पर टू थ्री फाइव इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री द शिकागो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट इन विच विवेकानंद विवेकानंदोकस वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ईयर शिकागो विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ सितंबर अठारह सौ नब्बे इक्यानबे बानबे या तिरानबे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है चंदन रोमी रामकृष्ण सोम्या रीना अष्मिता नदीम स्विटी सभी के आंसर आ रहे हैं तो तीन तीन छह तीन नौ आंसर आ चुके हैं सूरज एंड आलोक का भी आंसर आ गया है बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें शिकागो विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ यस yes, सभी लोग भाई इसमें पार्टिसिपेट करें नूर भारती कह रहे हैं पता नहीं कोई बात नहीं नूर सॉरी uh, नूरी तो आप इसमें कोई भी आंसर दे सकती हैं ठीक है थीके? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन सितंबर एटीन तो मैंने आपको इसकी डेट भी बताई थी ग्यारह सितंबर तो आप इसको नाइन इलेवन से याद रख सकते हैं नाइन इलेवन एटीन नाइनटी थ्री तो स्वामी नेम गिवन बाय खेतड़ी एंड विवेकानंद बाय हिज गुरु नो रामकृष्ण ये जो नाम चेंज हुआ है ये खेतड़ी के जो महाराज थे ठीक है अजीत सिंह उनके आ, मतलब सलाह से ये स्वामी विवेकानंद नाम रखा गया तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है क्वेश्चन नंबर फोर तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विवेकानंद इज करेक्ट विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है तो देखिए जहां पर भी आपको ये थोड़ा सा हिंदी वाला कट रहा हो तो वो वाला मैं आपको बता देता हूं वो हालांकि उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम मेरे विवेकानंद हो चलो ठीक है रामकृष्ण फिर मैं देखता हूं उसको है ना तो विवेकानंद के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है कह रही हैं दो तीन चार ओके एनी अदर आंसर चंदन कह रहे हैं सी वन टू एंड थ्री ओके रोमी का आंसर बी सोम्या का आंसर सी आ रहा है तो चार लोग आंसर दे चुके हैं अभी तक सूरज कुमार का भी आंसर आ गया है वन थ्री एंड फोर ओके रीना नदीम ऐसा नहीं आंसर तो तीन तीन छह तीन नौ आंसर आ चुके हैं अस्मिता एंड रामकृष्ण का भी आंसर आ गया है नूरी भारती का भी आंसर आ गया है भाई सत्रह लोग प्रेजेंट हैं लेकिन आंसर केवल नौ दस लोग ही दे रहे हैं बाकी लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं मैं फिर से कह रहा हूं भाई सभी लोग प्लीज आंसर जरूर दें किसी का यदि क्वेश्चन गलत हो रहा है तो परेशान ना हो बस सही आंसर और लॉजिक पर फोकस करे लेकिन क्लास के बाद रिवाइज जरूर करें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है यहाँ पर पहला दूसरा एंड तीसरा ये तीनों ही सही हैं है ना पहला दूसरा और तीसरा सही है लेकिन चौथा जो है वो गलत है उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए कभी भी आलोचना नहीं की है कि उन्होंने बाहरी विश्व से कोई संपर्क छोड़ दिया है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ़ इंडियन रेनेसा मूवमेंट भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इनमें से कौन माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक दयानंद सरस्वती श्रद्धानंद या राजा राम मोहन रॉय तो रामकृष्ण सोम्या रीना रोमा रोमी रीना चंदन स्वीटी एंड नदीम तो सात आंसर आ चुके हैं भाई नूरी का भी आंसर आ गया है आलोक एंड सूरज तिवारी का भी आंसर आ गया है नित्यानंद का भी आंसर आ गया है भाई तो सभी लोग भाई पार्टिसिपेट करते रहे यस एनी अदर आंसर अभी तक तीन तीन छह तीन नौ दो ग्यारह आंसर आए हैं ओके तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है ना राजा राम मोहन रॉय अस्मिता का भी आंसर आ गया है तो so, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स तो so, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट ठीक है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया ठीक है तो ये बेसिकली जो शुद्धि आंदोलन है ये बेसिकली क्या हुआ कि हिंदू धर्म को छोड़कर अलग अलग धर्मों में जो लोग गए कोई मुस्लिम में चला गया कोई क्रिश्चियन बन गया कोई कुछ और बन गया तो इनको वापस हिंदू धर्म में लाने का जो काम था वो शुद्धि आंदोलन के नाम से फेमस हुआ तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन इनमें से किसने किया रामकृष्ण रोमी स्वीटी सौम्या चंदन नदीम अस्मिता नित्यानंद आलोक एंड रीना ओके okay. तीन तीन छः तीन नौ एक दस एंड सूरज ग्यारह आंसर yes, नदीम आंसर uh, भी आ चुका है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आर्य समाज है ना आर्य समाज जो था उसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया और आर्य समाज का यह मानना था कि हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं है यदि कोई व्यक्ति हिंदू छोड़ धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में गया है तो उसको वापस हिंदू धर्म में लाया जा सकता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वॉज उन्नीसवीं सदी के महानत पारसी समाज सुधारक कौन थे सर जमशेद जी सर उत्तम बहराम जी नवल जी टाटा या बहराम जी मालाबारी 19वीं सदी के महानतम समाज पारसी समाज सुधारक इनमें से कौन माने जाते हैं सभी लोगों का आंसर आ रहा है और बाकी जितने भी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि वो भी आंसर दें नूरी भारती आलोक चंदन नित्यानंद सौम्या अस्मिता सभी का आंसर आ रहा है ओके एनी अदर आंसर तो ऑप्शन डी बहराम जी मालाबारी जो है वो राइट आंसर उन्नीसवीं सदी के जो पारसी समाज सुधारक थे उसमें बहराम जी मालाबारी का योगदान सबसे ज्यादा है है ना और कल हम लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि जो इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध अभियान चलाया जो कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के नाम से फेमस हुआ और इसी एक्ट के तहत 12 साल से जो कम उम्र की लड़कियां थी उनकी शादी पर बैन लगा दिया गया था ठीक है तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस वॉज फर्स्ट स्टैब्लिस्ड निम्नलिखित कॉलेजेस में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी ठीक है निम्नलिखित कॉलेजेस में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई तो रामकृष्ण कह रहे हैं मेयो कॉलेज नित्यानंद सी चंदन सी सोम्या सी आलोक सी स्वीटी सी नूरी भारती रीना रोमी सभी लोग सी बता रहे हैं और कोई आंसर अश्मिता का भी आंसर आ गया है ए सूरज कुमार का भी आंसर ए आ रहा है एनी अदर आंसर हम्म और कोई आंसर इसके अलावा प्रियंका चौहान का भी आंसर आ गया डी ओके okay. तो और कोई आंसर चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना ऑप्शन बी डेली कॉलेज इज द राइट आंसर डेली कॉलेज की स्थापना हुई है 1780 के आसपास ठीक है हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई है 1817 में मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना हुई है अठारह के बाद और अठारह तक ही मान लेते हैं या और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अठारह में हुई ठीक है क्योंकि तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मोहम्मडन मौ, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है ये प्राइमरी अलीगढ़ स्कूल के नाम से फेमस हुआ था और बाद में 1877 में इसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम दिया गया तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन अंडर द शारदा एक्ट व्हाट वाज द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज रेस्पेक्टिवली शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी ठीक है नदीम ये कॉलेज जो है वो 1780 के आसपास स्टैब्लिश हुआ है वॉरन हेस्टिंग्स के समय ठीक है क्योंकि 1780 का पीरियड जो है वो वॉरन हेस्टिंग्स का माना जाता है तो प्रियंका सूरज नदीम रोमी रीना स्मिता सौम्या नित्यानंद रामकृष्ण तो ये आंसर जो है वो सभी का सही आ रहा है चौदह और अठारह साल लड़कियों की शादी की है चौदह साल और लड़कियों के लड़कों की शादी की है अठारह साल यहाँ पर डिसाइड की गई ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन तो अब ये थोड़ा सा यूपीपीएससी का जो एक बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं तो यहाँ पर दो साल एक साल छः महीना और तीन महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी कम होता जा रहा है और सत्रह से उन्नीस जनवरी के बीच में जो है वो बैच भी स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो ये चीजें हैं तो अलग अलग ये ए, 21 जनवरी को एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी हो रहा है कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था यूपीपीएससी का जो आर ओ आर ओ का फिल्म है वो भी 19 जनवरी का बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है ये चीजें हैं इसमें तो अलग अलग बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और आप में से यदि कोई इंटरेस्टेड है तो आप इसको ले सकते हैं रीना दिल्ली कॉलेज की स्थापना जो है वो 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई थी ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर टेन हु फर्स्ट मॉडर्न पर्सन ऑफ इंडिया किसने भारत का आ, किसे भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति माना जाता है नाना साहेब एम राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद सभी लोगों से मैं यही चाहूंगा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ओके okay. नदीम आलोक अस्मिता रीना रोमी एंड प्रियंका सभी का आंसर आ रहा है बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें भाई भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति इनमें से किसको कहा गया है ठीक है तो रामकृष्ण का भी आंसर आ गया है एंड आंसर सी इज द राइट आंसर ठीक है राजा राम मोहन रॉय तो भारत का पहला आधुनिक व्यक्ति इन्हें इनको बोला गया है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फॉर्मेशन वॉज तो ये थोड़ा सा भाई हिंदी वाला पीछे छिप रहा है फोटो के ठीक है तो हिंदी वाला जो है वो मैं पूरा चारों स्टेटमेंट बोल देता हूं बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया बहराम जी मालाबारी और एमजी जी ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस ठीक है तो रामकृष्ण का आंसर आ गया है सूरज का आंसर आ गया है रीना नदीम पीटी एनी अदर आंसर सभी लोगों का देखिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए और पार्टिसिपेट सभी लोग करें तीन तीन छह आंसर आए अभी तक रोमी ए अश्मिता सी चंदन बी आलोक बी भी, भी. चार दस आंसर हो गए भाई चौदह लोग प्रेजेंट हैं लेकिन आंसर दस ही आ रहे हैं प्रियंका का भी आंसर आ गया है ओके तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू पुट सोशल रिफॉर्म्स इन इट्स प्रोग्राम दैट्स वाई द फॉर फॉर्म अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रिगार्डिंग ब्रह्म समाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ब्रह्म समाज के बारे में इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही ठीक है गुड मॉर्निंग हर्षिता इट अपोज आइडल वर्शिप इट रिजेक्टेड द प्रि क्लास फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इट प्रोपोगेटेड दियरी दैट द वेदास आर एरर तो हर्षिता का आंसर आ गया है यस yes. ब्रह्म समाज के बारे में ये कौन से कथन सही है रामकृष्ण कह रहे हैं ऑल नदीम कह रहे हैं बी सोम्या का बी अस्मिता का बी प्रियंका का बी ए, नित्यानंद रीना सूरज कुमार आलोक आंचल तिवारी भी बी कह रही हैं, ओके चंदन का भी बी सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना वन एंड टू इज राइट देखिए ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है यह सही है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया है लेकिन ब्रह्म समाज ने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया है कि वेद त्रुटिहीन है ठीक है तो वेदों के बारे में ब्रह्म समाज जो है वो कुछ खास नहीं बोल रहा है केवल जो आडंबर हैं जैसे मूर्ति पूजा है पुरोहित वर्ग है इसको मना कर रहा है ठीक है तो यहां पर पॉइंट नंबर तीन जो है वो गलत है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच एमिनेंट स्कॉलर रुक ब्रोड बुकलेट्स लाइक ज्ञान योग कर्म योग एंड राजयोग इनमें से कौन से प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी स्वामी विवेकानंद एमजी रानाडे राजा राम मोहन रॉय या रामकृष्ण परामंश ठीक है तो स्वीटी रामकृष्ण चंदन रोमी नित्यानंद अस्मिता सोम्या तो नदीम, हर्षिता रीना अचल सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं भाई तीन तीन छह तीन नौ एक दस आंसर हो गए ग्यारहवा आलोक का हो गया भाई बारवा आराधना का हो गया यस yes, बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें प्रियंका एंड सूरज कुमार का भी आंसर आ गया है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्वामी विवेकानंद ठीक है तो स्वामी विवेकानंद ने ये पुस्तकें लिखी थी ज्ञान योग कर्म योग और राजयोग ठीक है क्वेश्चन नंबर द एम ऑफ द सत्य शोधक समाज सेटअप इन महाराष्ट्र इन 1873 से आराधना अठारह आराधना। तिहत्तर में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य इनमें से क्या था ठीक है ब्राह्मणवाद का विरोध करना निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना दोनों या कोई नहीं तो आराधना कांस सॉरी सोम्या रामकृष्ण रोमी नित्यानंद चंदन अस्मिता आंचल रीना एंड आलोक एंड नदीम सभी के आंसर आ रहे हैं तीन तीन छह तीन नौ दो ग्यारह एक बारह आंसर हो गए तेरवा स्वीटी का आंसर हो गया यस बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें सत्य शोधक समाज का उद्देश्य इनमें से क्या था बीस लोग हैं लेकिन तेरह चौदह आंसर ही आ रहे हैं भाई बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं ठीक है मैं फिर से कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक है तो नो निगेटिव मार्किंग आपको सिर्फ यहां पर पार्टिसिपेट करना है और सही आंसर पर फोकस करना है ठीक है और क्लास के बाद जो पीडीएफ मिलेगा उसको आपको रिवाइज करना है तो आप ये मत सोचिए कि आपके सारे आंसर सही ही होंगे ठीक है जरूरी नहीं है कि सारे आंसर सही हों लेकिन जहाँ जहाँ गलती हो रही है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ ए एंड बी अठारह में महाराष्ट्र में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने है ना तो ज्योतिबा फुले के द्वारा जो इस समाज की स्थापना हुई इसने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनके उत्थान की भी बात की चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन द दर एटीन एटी एट हुम मूवमेंट इन अरबीपुरम केरला अरबीपुरम केरल में किसने ये आंदोलन चलाया था ठीक है श्री नारायण गुरु ज्योतिबा फुले बी आर अम्बेडकर या बी आर सिंधे तो स्वीटी सोम्या का आंसर आ गया है रामकृष्ण एंड रीना आंचल का भी आंसर आ गया है चंदन रोमी नदीम का आंसर आ गया है नित्यानंद का भी आंसर आ गया है तो तीन तीन छह तीन नौ आंसर आ गए भाई बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें हर्षिता का भी आंसर आ गया है सूरज तिवारी का एंड आलोक का भी आंसर आ गया है प्रियंका का भी आंसर आ गया है और भी जो लोग बचे खुचे हैं भाई वो भी आंसर दे दें बाकी सभी स्टूडेंट तो वैसे नॉर्मली पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन चार पांच स्टूडेंट पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर श्री नारायण गुरु अरबीपुरम आंदोलन जो है वो श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया है ना और ये आंदोलन बेसिकली केरल में था ठीक है तो केरल में असल में एक अलग टाइप के आंदोलन चले जहां पर मंदिर प्रवेश से जुड़े हुए थे जैसे यदि आप उत्तर भारत के आंदोलन को देखें तो नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी भारत पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत यहां पर जो है हमें कहीं पर मंदिर प्रवेश के आंदोलन देखने को नहीं मिले लेकिन दक्षिण भारत में जो लोअर कास्ट थी या जो नीति जातियां थीं उनको ऊपरी जातियों ने मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया ठीक है तो दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो आंदोलन थे वो मंदिर प्रवेश से जुड़े हुए थे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैन मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर ये किसने कहा है श्री नारायण गुरु ई रामास्वामी नायकर ज्योतिबा फुले या महात्मा गांधी ठीक है तो रामकृष्ण कह रहे हैं महात्मा गांधी सूरज रीना आलोक स्वीटी प्रियंका आराधना आंचल सभी लोग आंसर दे रहे हैं बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें हम्मी अदर आंसर यस बाकी जितने भी बचे लोग हैं वो लोग भी आंसर देने की कोशिश करें पूरे पूरे आंसर नहीं आ रहे हैं भाई केवल दस आंसर ही मिले हैं अभी तक और उन्नीस लोग प्रेजेंट हैं का मतलब नौ लोग अभी आंसर देना नहीं चाह रहे हैं हर्षिता का भी आंसर आ गया है ओके तो आंसर ए इज द राइट आंसर है ना श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु ने ये एक नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन हु लेट द बारदोली सत्याग्रह दोली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया वेरी सिंपल क्वेश्चन और मेरे ख्याल से ये सभी लोग आंद बता देंगे हम hmm. बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया चंदन सौम्या आराधना प्रियंका सूरज आंचल रीना आलोक रोमी सभी का आंसर आ रहा है एंड uh, हम्म तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल है ना तो ये बेसिकली लगान में जो वृद्धि हुई उससे जुड़ा हुआ था ठीक है तो सूरत में बारदोली तालुका में 1928 में ये किसानों के द्वारा लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया ठीक है और इसमें कुछ जो ट्राइब्स थी या जो जनजातियाँ थीं वो भी शामिल थी ठीक है और बारदोली में असल में मेहता ब्रदर्स थे या मेहता बंधु थे जिनका नाम था कल्याण जी मेहता उमर जी मेहता और दयाल जी मेहता ठीक है इन्होंने किसानों के समर्थन में ये आंदोलन 1922 से ही चला रखा था लेकिन बाद में 1928 तक आते आते सरदार पटेल ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और चार फरवरी 1928 को सरदार पटेल इसके नेता बन गए ठीक है तो यहां पर उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर जो है वो लगान कम करने के लिए बात करी और यहां पर हिंदुओं ने गीता पर हाथ रखा और मुसलमानों ने कुरान पर हाथ रखा और ये कहा कि हम लगान नहीं देंगे ठीक है और बाद में हम देखते हैं कि इसके लिए सरकार ने एक कमीशन बैठाला जिसमें हेड थे ब्रूमफील्ड ब्रूमफील्ड एंड मैक्सवेल तो इन दोनों की अध्यक्षता में कमीशन बैठाला गया और बाद में जो ये तीस परसेंट का बढ़ा हुआ लगाम था इसको कम करके सिक्स पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कर दिया और इसी आंदोलन को सफलता जब मिली तब यहाँ की महिलाओं ने जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके नाम में सरदार जोड़ दिया ठीक है तो बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल के नाम से जाने गए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा ये जो ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल है ये कमीशन के मतलब बनाया गया और बेसिकली इसको काफी सीरियसली लिया गया ठीक है तो चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग रेन ऑफ विच वायसरॉयसॉय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया हम hmm. तो so, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें भाई किस वाइसरॉय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया हम्म hmm. तो कुछ लोग कैनिंग कह रहे हैं कुछ लोग रेपान, लेटान, करजान सभी आंसर आ रहे हैं सभी लोग आंसर देने की कोशिश करिए प्रियंका आराधना नदीम चलिए और कोई आंसर इसके अलावा देखिए जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था ये आया है अठारह में अठारह सौ में पीरियड था रिपन का ठीक है तो पहले फैक्ट्री एक्ट में सात वर्ष से कम आयु के सात वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं इनको काम नहीं करना था और इसी एक्ट में महीने में चार दिन का अवकाश या चार दिन की छुट्टी दी गई ठीक है सेकेंड फै जो फैक्ट्री एक्ट आया वो आया अठारह में अठारह में जो फैक्ट्री एक्ट आया वो लैंसडाउन के समय आया तो यहाँ पे सप्ताह में एक दिन की हॉलीडे दी गई है ना वन डे हॉलीडे इन अ वीक ठीक है और इसके बाद नौ साल से कम आयु के जो बच्चे थे वहाँ पर कार करने पर प्रतिबंध लगाया गया और जो वर्किंग आवर्स या जो छुट मतलब काम करने के घंटे थे वो 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित हुआ ठीक है इसके बाद अगला एक्ट आया उन्नीस में उस समय था लॉर्ड हार्डिंग ठीक है लॉर्ड हार्डिंग के समय जो मेल मजदूर थे उनको 12 घंटे काम करना डिसाइड किया गया फिर अगला आया 1922 में उस समय था लॉर्ड रीडिंग ठीक है लॉर्ड रीडिंग के समय बच्चों की जो काम करने की अवधि थी वो सात घंटे डिसाइड हुई और 12 से 15 घंटे की 12 से 15 साल की जो आयु वाले बच्चे हैं उनको कारखाने में काम करने की परमिशन दी गई ठीक है इसके बाद अगला एक्ट आया उन्नीस जो कि आया विलिंगटन के समय तो लॉर्ड विलिंगटन के समय मौसमी और गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया और श्रमिकों के चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था भी की गई और फाइनली 1944 में लॉर्ड वेबल के समय आखिरी फैक्ट्री एक्ट आया जिसमें श्रमिकों की कार्यवधि 9 घंटे की गई और साथ ही साथ यहां पर कैंटीन की व्यवस्था भी की गई तो पूरे ब्रिटिश पीरियड में एक दो तीन चार पांच टोटल छह फैक्ट्री एक्ट आए हैं ठीक है तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो होगा रिपन ठीक है रिपन के समय पहला फैक्ट्री एक्ट आया था भाई सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत चलिए तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन विच स्टेट बिरसा मुंडा वॉज इन सर्कुलेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध में बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था पंजाब छोटा नागपुर तराई एरिया या मणिपुर तो यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से सभी लोग इसका आंसर दे देंगे ठीक है चालनी का भी आंसर आ गया है प्रियंका रोमी आलोक रीना आराधना नदीम चंदन स्वीटी ओके तो ये क्वेश्चन सिंपल है काफी छोटा नागपुर एरिया बेसिकली इस समय झारखंड में पड़ता है और अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा वहां पर विद्रोह कर रहे थे चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेयर वॉज द वाइकुम सत्याग्रह कंडक्टेड वाइकुम सत्याग्रह कहां पर चलाया गया केरल तमिलनाडु कर्नाटका या आंध्र ठीक है yes. यस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वाइकुंभ सत्याग्रह कहां पर चलाया गया तो आराधना शालिनी नदीम रामकृष्ण चंदन स्वीटी आंसर आ रहा है प्रियंका का भी आंसर आ गया है ठीक है रीना का भी आंसर आ गया है आलोक का भी आंसर आ गया है नदीम का आंसर भी आ गया है ओके और कोई आंसर इसके अलावा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर केरल तो यहां पर जो टेंपल एंट्री या मंदिर प्रवेश को लेकर जो सवर्ण थे या अपर कास्ट और लोअर कास्ट इनके बीच में ये संघर्ष हुआ ठीक है और सवर्ण लोग जो थे वो निम्न वर्ण के लोग जिनमें एजवा और पुलैया ये कैटेगरीज को मंदिर में एंट्री देना नहीं चाहते थे ठीक है और 19वीं सदी के अंत तक यदि हम देखें तो केरल में श्री नारायण गुरु है ना एन कुमारन टी के माधवन इन जैसे लोगों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई वाइकोम बेसिकली जो है वो त्रावणकोर में ठीक है तो बेसिकली गांव का नाम है जो कि में था और वहां पर मंदिर प्रवेश को लेकर एक आंदोलन चलाया गया और यहीं पर श्री नारायण धर्म परिवर्तन ठीक है श्री नारायण धर्म परिवर्तन योगक क्षेम संगठन ने नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश का समर्थन किया ठीक है तो ये चीजें हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हुज द पाइनियर ऑफ मूवमेंट ऑफ श्री नारायण धर्म परिपालनम योग हम स्टार्टेड इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड टू थ्री तो इसका आंसर जो है ये मैं अभी दे चुका हूं मेरे ख्याल से सभी का आंसर आ जाएगा श्री नारायण धर्म परिपालनम योगक क्षेम आंदोलन के प्रणेता कौन थे तो इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर पहले दे चुका हूं मेरे ख्याल से सभी लोगों का सही जाना चाहिए हम्म चलिए तो इसका आंसर जो है वो श्री नारायण गुरु है ठीक है तो श्री नारायण जो धर्म परिपालनम योगक क्षेम आंदोलन के प्रणेता थे वो नारायण गुरु थे ठीक है और इसी वायकुम सत्याग्रह में 1925 के आसपास गांधी जी की एंट्री होती है और गांधी जी जो हैं, वो जो त्रावण कोर है वहां की क्वीन से बात करके आंदोलनकारियों से सम, मतलब आंदोलनकारी और इनके बीच में समझौता होता है ठीक है तो इस तरीके से महात्मा गांधी की भी एंट्री वायकुम सत्याग्रह में हुई है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन द ईयर नाइनटीन हंड्रेड सिक्स हु फाउंडेड द डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी इन बॉम्बे उन्नीस सौ छह में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की ठीक है बी आर शिंदे महात्मा गांधी बी आर अंबेडकर या नॉन ऑफ दिस कोई बात नहीं भाई सब थोड़ा सा सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए पर्सनल कमेंट्स थोड़ा सा कम करें सभी लोग तो शालिनी स्वीटी चंदन सौम्या नदीम एंड uh, शालिनी का आंसर आ गया है रोमी आराधना आलोक रामकृष्ण एनी अडर प्रियंका सूरज कुमार सभी के आंसर आ गए तो ऑप्शन ए बी आर शिंदे इज द राइट आंसर ठीक है लेकिन 1906 में बी आर शिंदे ने डिप्रेस क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की और इसके जो पहले चेयरमैन या पहले अध्यक्ष थे वो थे एन जी चंद्रावरकर तो एन जी चंद्रावरकर इसके पहले अध्यक्ष थे और एन जी चंद्रावरकर के ही प्रयासों से 1918 में पहला अखिल भारतीय फर्स्ट ऑल इंडिया क्लास, क्लास, है ना कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन किया गया ठीक है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नो रामकृष्ण देखिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना बी आर शिंदे ने की थी है ना और यदि हम बी आर अंबेडकर को देखें तो बी आर अंबेडकर ने स्थापना की थी बहिष्कृत हित सभा हितकारिणी सभा इसकी स्थापना की थी और एक दूसरा था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन ठीक है तो डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना बी आर अंबेडकर की है और बी आर अंबेडकर ने एक और मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था बहिष्कृत भारत ठीक है तो ये एक मैगजीन थी इसके अलावा यदि हम देखें तो बी आर अंबेडकर ने कुछ और भी किया है 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया और ना 1942 में अनुसूचित जाति संघ या शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन ये बी आर अम्बेडकर का बनाया गया है ठीक है तो बेसिकली जो है बी आर अम्बेडकर ने फॉर्मेशन किया था द तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन तो डिप्रेस क्लास फेडरेशन प्लस डिप्रेस क्लास मिशन ये दो अलग अलग है ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू थ्री ट्वेंटी थ्री हु ननु आसन ननु आसन किसे कहा गया श्री नारायण गुरु ई वी नायकर सी एन मुदलियार या टी नायर ननु आसन किसे कहा गया है रामकृष्ण कह रहे हैं टी नायर ओके रोमी का आंसर सी आ रहा है स्वीटी का ए आ रहा है चंदन का ए है चार आंसर आ चुके हैं भाई बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें सोम्या आराधना रीना हम्म नदीम तो तीन तीन छह दो आठ आंसर आ चुके हैं अभी तक सूरज कुमार का भी आंसर आ गया है ओके हम्म एनी अदर आंसर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर श्री नारायण गुरु ननु आसन जो है वो तो श्री नारायण गुरु को कहा गया है ऐसे है ना ननु आसन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हु फाउंडेड द बहुजन समाज इन सतारा इन ईयर नाइनटीन हंड्रेड टेन उन्नीस सौ दस में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी बी आर शिंदे मुकुंद राय पाटिल नानाजी देशमुख या बी आर अम्बेडकर तो स्वीटी का आंसर आ गया है रामकृष्ण आंस का आंसर आ गया है चंदन रीना का भी आंसर आ गया है सोम्या प्रियदर्शी सूरज कुमार रोमी सभी के आंसर आ रहे हैं शालिनी का भी आंसर आ गया है बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें नदीम का आंसर भी आ गया है प्रियंका हम्म तो यहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है ना मुकुंद राय पाटिल सतारा में बहुजन समाज की स्थापना मुकुंद राय पाटिल की है

चंदन रीना स्वीटी नदीम एनी अदर आंसर हम्म आराधना का भी आंसर आ गया है टालिनी प्रियंका तो नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पदनाथ पिल्लई की है ठीक है 1914 में केरल में नायल सर्विस सोसाइटी ये पद्मनाथ पिल्लई ने स्थापित की थी तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष इनमें से कौन था बीवी गिरी ऐसे डांगे पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था यस yes, मुझे लग रहा था कि नायर से ज्यादातर लोग टीएम नायर को ही लगाएंगे ठीक है तो रीना प्रियंका नदीम आराधना स्वीटी रामकृष्ण सौम्या चंदन रोमी आराधना सभी के आंसर आ रहे हैं तो आंसर डी इज द राइट आंसर लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो पहला बेसिकली uh, uh, हुआ वो 1920 में हुआ और ये 1920 में सेशन हुआ बॉम्बे में ठीक है तो इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे है ना और इसके जो वाइस चेयरमैन थे वो बेसिकली जोसेफ बैप्टिस्ट जोसेफ बैप्टिस्ट बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट सी एफ एंड्रूज और एस ए बरेलवी इतने लोग इसके वाइस चेयरमैन थे ठीक है असल में क्या हुआ कि 1920 में बॉम्बे में है ना बॉम्बे में एन एम जोसी है ना और जोसेफ बैप्टिस्ट और लाला लाजपत राय इन तीनों लोगों के प्रयासों से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई जो कि मजदूर वर्ग से जुड़ी हुई थी ठीक है और 1920 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था आईएलओ में जो रिप्रेजेंटेशन किया है ना आईएलओ में रिप्रेजेंटेशन किया है एनएम जोशी ने तो एनएम जोशी का पूरा नाम है नारायण मल्लार जोशी ठीक है यस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आज भी है तो सोम्या ये बेसिकली कांग्रेस का मजदूर संगठन है ठीक है तो ये इसके वाइस ये चेयरमैन थे लाला लाजपत राय वाइस चेयरमैन इसके ये थे और इसके जो वो थे क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी या महामंत्री तो इसके महामंत्री थे दीवान चमन लाल ठीक है तो ये जो दीवान चमन लाल है ये वाला क्वेश्चन यूपीपीएससी में आ चुका है ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन लीडर ऑफ मुंडा रिविलियन एटीन नाइनटीन एंड नाइनटीन हंड्रेड ठीक है अठारह सौ निन्यानवे और उन्नीस सौ के मुंडा क्रांति का नेता इनमें से कौन था सिद्धू बुद्धू भगत बिरसा मुंडा एंड शंभुदेव ठीक है तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल से सभी लोग इसका आंसर दे देंगे और कोई भी मेरे ख्याल से गलत आंसर नहीं देगा क्योंकि इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है हम्म लेकिन हर बार आंसर छुपा हुआ हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है ठीक है <laughs> तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिरसा मुंडा अठारह और 1900 की जो मुंडा क्रांति है उनके नेता बिरसा मुंडा थे ठीक है so, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तो ये थोड़ा सा बीपीएससी का भी एक प्लेटफॉर्म देख लीजिए सभी लोग एक मिनट बीपीएससी में भी वही स्थिति है इक्कीस जनवरी को ना एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है और मैं चाहूंगा कि इसमें जो लोग प्रयास करें वो अच्छा रहेगा क्योंकि तो यदि उनकी रैंक फर्स्ट आती है तो उनको पांच हजार का एक वाउचर मिलेगा सेकंड रैंक वाले को ढाई हजार और थर्ड रैंक वाले को पंद्रह सौ और चार से दस वालों को पाँच सौ ठीक है यहाँ पर भी दो साल और डेढ़ साल के जो सब्सक्रिप्शन हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं लगभग काफी ज़्यादा कटौती हुई है बीस बीस परसेंट के आसपास ठीक है तो ये जोश नाम का एक बैच उन्नीस जनवरी से स्टार्ट हो रहा है बी के लिए और मिशन सिपाही फिर इसके बाद वर्दी फिर इसके बाद प्लस के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो ये हैं ठीक है ठीके? तो अगला क्वेश्चन है ये हुट द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी ठीक है रीना कह रहे हैं ग्रुप में लिंक दे दो सर इसका ओके रीना यदि आप में से कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मैं अपना रेफरल कोड आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा तो आप आराम से उसमें कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछा जा चुका है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्वामी सहजानंद ठीक है तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ है ना? तो एक्चुअली में 1918 में संयुक्त प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ठीक है और इसने उन्नीस सौ में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया और फिर इसी के बाद यदि हम देखें तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो अध्यक्षता थी है ना वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी ठीक है तो पैजपुर जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर कांग्रेस के सम्मेलन के समय उन्हीं के समानांतर एक आंदोलन और किया गया जो कि एन रंगा के द्वारा किया गया और बाद में हम देख रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन विच इंग्लिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय द संथाल सीन एटीन फिफ्टी फाइव अठारह सौ पचपन में संथालों ने इनमें से किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था कैप्टन नेक फेविले लेफ्टिनेंट बेस्टीन मेजर बरो या कर्नल हाइट तो रामकृष्ण रीना चंदन सोम्या सूरज सभी का आंसर आ रहा है आराधना स्वीटी रोमी नदीम प्रियंका सभी के आंसर आ रहे हैं भाई तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेजर बरो 1855 में संथालों ने मेजर बरो को हरा दिया था और इससे संथालों को काफी कॉन्फिडेंस आया था ठीक है तो कर्नल हाइट है ना तो ये हाइट की स्पेलिंग कहीं-कहीं पर ऐसे भी लिखी होती है कहीं-कहीं पर हाइट की स्पेलिंग जो है वो ऐसे भी लिखी होती है ओके सो तो अलग-अलग समय अलग-अलग एक्सरसाइज -अलग लिखा होता है तो सभी लोग जो हैं, उनसे मेरा कहना था कि भाई सभी लोग रेटिंग जरूर कर जाएं और रेटिंग का मतलब यहां पर लाइक एंड सब्सक्राइब से है और दूसरी चीज ये कि आप सभी लोग भाई एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें है ना तो अच्छा रहेगा ओके तो कल हम लोग फिर से 11 बजे इसी समय मिलेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच नदीम कल का टॉपिक जो है वही अभी लोअर कास्ट मूवमेंट ही रहेगा और उसके बाद 1857 स्टार्ट हो जाएगा